Rama Rama Hare Hare. Namaskar, Harekrishna Bhaktilok ma Suchara Gopi Devidasi yaharu sabailai swagat gardachu. Darshakvrind, harek varsha jhai yo varsha pani Shri Parampurushottam Bhagwan Jaganath आफ्नो दाजु बलदेव र बहिनी सुभद्रासँग रथमा सवारी भई नेपालको हरेक शहरमा निस्किदै हुनुहुन्छ आज हामीहरूलाई श्री जगन्नाथ भगवानको विषयमा विस्तार रूपमा बुझाउन जाँदै हुनुहुन्छ श्री परम पूजनीय भक्तिपुरुषोत्तम स्वामी उहाँको जन्म जगन्नाथपुरी धाम ओडिसामा भएको थियो उहाँ आफ्नो ब्याचलर्स इन साइन्स पढाइसकाएर 21 वर्षको उमेरदेखि नै भगवत भक्तिमा लाग्नु भएको थियो उहाँ अहिले अन्तर्राष्ट्रिय कृष्ण भावनामृत इस्कोन मायापुर वेस्ट बङ्गालको हेडक्वार्टरको जिबिसी कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ आउनु उहाँको मुखारविन्दबाट श्री जगन्नाथको विषयमा केही अमूल्य वाणीहरू सुनौँ राम राम हरे हरे नमः ओम विष्णु पदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यंग जगन्नाथाय ते नमः हरे कृष्णा तो इस साल तो 2015 साल ये बहुत महत्वपूर्ण और गुरुत्वपूर्ण है इस वर्ष जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ विग्रह का नवकलेवर उत्सव हो रहा है तो नवकलेवर क्या होता है जगन्नाथ जो विग्रह होते हैं जगन्नाथपुरी में विग्रह का नाभि में अंदर में ब्रह्म वस्तु को रखा गया तो हर 9 साल या 12 साल में अंतर में एक ब्रह्म वस्तु को परिवर्तन करके नया विग्रह बना के उसमें स्थापना किया जाता है तो शास्त्र में ऐसा वर्णना किया गया जो साल दो आषाढ़ महीना पड़ेगी जो अधिक मास हो रहा है दो आषाढ़ पड़ता है उसी साल ये नव कलेवर हो रहा है तो जगन्नाथ हमारा हिंदुओं के आराध्य भगवान होते हैं तो हमारा आदि शंकराचार्यों ने भारतवर्ष का चार और चार दिशा पर चार धाम या पीठ स्थान स्थापन किए तो हिंदू लोगों ने ये चार धाम को बहुत गुरुत्व देते हैं तो भारत का उत्तर दिशा में जो बद्रीनाथ भगवान होते हैं जो सत्य युग में आके लीला विलास किए थे और पश्चिम दिशा में द्वारकानाथ भगवान कृष्ण द्वापर युग में आए थे और दक्षिण में रामनाथ तो तृतीय युग में भगवान रामचंद्र आके लीला विलास किए थे और कलि युग में वो भगवान जगन्नाथ रूप में आविर्भूत हुए तो शास्त्र में बताया गया भगवान हर युग अवतीर्ण होते हैं परित्रणय साधुनांग विनाश्च दुष्कृतांग धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे लेकिन शास्त्र में ये भी बताया गया इस कलि युग में भगवान सशरीर आते नहीं इसीलिए भगवान का एक नाम होता है त्रिजुग इस कलयुग में जीवों को उद्धार करने के लिए भगवान उनका नाम रूप में आते हैं कलि काले नाम रूपे कृष्ण अवतार कलयुग में भगवान श्री कृष्ण नाम रूप में ही आते हैं इसलिए शास्त्र में ये बताया गया हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा कलयुग में भगवान का नाम ही भगवान का अवतार होता है और भगवान कृपा करके इस कलयुग में अर्चा विग्रह या दारू ब्रह्म रूप में आए हुए हैं जैसे हम लोग सुनते हैं सत्य युग में बद्रीनाथ द्वापर युग में द्वारकानाथ तृतीय युग में रामनाथ और कलयुग में ये जगन्नाथ होते हैं ये जगन्नाथ हमारा हिंदू लोगों के लिए ये आराध्य भगवान होते हैं लेकिन जगन्नाथ का रथ यात्रा हो रहा है सब लोग जगन्नाथ के बारे में सुने हुए लेकिन जगन्नाथ का रूप क्यों ऐसा हुआ कब से रथ यात्रा शुरू हुआ जगन्नाथ का इतिहास क्या है इसके बारे में लोगों को इतना मालूम नहीं है सर लोगों को रामचंद्र के बारे में पूरी तरह मालूम होता है क्योंकि
रामायण रामचरितमानस ग्रंथ रचना किया गया, राम कथा हो रहा है, इसलिए लोगों को रामचंद्र के बारे में मालूम है। और श्री कृष्ण भगवान के बारे में भी लोगों को मालूम है, क्योंकि लोगों ने भागवत श्रवण करते हैं, महाभारत श्रवण करते हैं, इसे कृष्ण के बारे में लोगों को मालूम होता है। लेकिन जगन्नाथ के बारे में ऐसा कोई ग्रंथ नहीं, लोग पढ़ते नहीं और मालूम नहीं होता है। ग्रंथ नहीं ऐसा नहीं, बहुत सारी पुराण में श्री क्षेत्र पुरी धाम जगन्नाथ भगवान का प्रकट के बारे में वर्णना किया गया, जैसा ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, विशेष करके स्कंद पुराण में बहुत विस्तार भाव में जगन्नाथ के बारे में वर्णना किया गया। तो मैं आज आप लोगों को इस जगन्नाथ का प्रकट का बारे में कुछ बताऊंगा। तो जगन्नाथ का प्रकट का बारे में स्कंद पुराण में ऐसा वर्णना आता है, ये सत्ययुग का बात है, सत्ययुग का घटना है। सत्ययुग में मालव देश में अवंती नगर का राजा थे, राजा इंद्रद्युम्न। राजा इंद्रद्युम्न परम विष्णु भक्त थे, तो उन्होंने स्वप्न में भगवान को देखा, नील माधव। तो उनको इच्छा हुआ इस धरती पर नील माधव रूप में भगवान किधर रहते हैं जानकारी करने के लिए। बहुत साधु संतों को राजा इंद्रद्युम्न ने पूछे भगवान इस स्वरूप में किधर प्रकटित हुए, लेकिन कोई भी बोल नहीं पाते थे। तो एक दिन एक तीर्थयात्री आए और राजा को बताए वे ऐसा भगवान नील माधव स्वरूप में दक्षिण सागर के तट पर, जो नीलाचल पर्वत का ऊपर नीलकंदर का अंदर में नील माधव स्वरूप में भगवान उधर अवस्थित है। तो भगवान को ढूंढने के लिए, भगवान का खोज में राजा इंद्रद्युम्न उनका प्रधानमंत्री विद्यापति को भेजे। तो विद्यापति भगवान नील माधव का खोज में निकले, तो पहले भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर पर आए। तो उस समय तो सिर्फ जंगल और पहाड़ था, तो उसे ढूंढते हैं ढूंढते हुए विद्यापति ने, तो जब पुरी आए, तो पुरी में आए तो जंगल ही था, तो उसमें उनको उन्होंने सुन पाए कोई आदिवासियों का गांव पर तो भगवान का नाम कीर्तन होता था। तो उधर जाके तो आदिवासियों को जो गांव का जो मुखिया थे वो उनका नाम विश्वावसु सावर होते हैं, तो विश्वावसु सावर को मिले। फिर ये भी वर्णना आता है कोई कोई शास्त्र में, जब विश्वावसु सावर का एक लड़की थी तो उनकी नाम ललिता, तो ललिता का साथ विद्यापति को शादी हुआ था। तो एक दिन विद्यापति विश्वावसु का घर पर रहते थे, तो विश्वावसु हर रोज सुबह चले जाते थे और शाम को आते थे। तो विद्यापति ने पूछे ललिता को, तुम्हारा पिताजी हर रोज किधर जाते हैं, और जब वापस आते हैं तो उनका शरीर से इतना सुंदर सुगंध भी निकलता था, इसका कारण क्या है? तो ललिता ने बताए, मेरा पिता नील माधव को पूजा करने के लिए जाते थे। तो विद्यापति बहुत खुश हो गए, क्योंकि विद्यापति ने तो नील माधव को खोज में निकले थे। तो विद्यापति ने उनका पत्नी ललिता को बताए, तुम्हारा पिता को बोलो मेरे को नील माधव को दर्शन कराने के लिए। तो ललिता जब उनको उनके पिता को बताए पूछे कि मेरा स्वामी विद्यापति को नील माधव दर्शन कराओ, तो विश्वावसु ने बहुत गुस्सा किए, क्योंकि नील माधव को विश्वावसु ने बहुत गुप्त भाव में नीलकंदर का अंदर उन्होंने पूजा करते थे खूब भक्ति और प्रेम से। किसको मालूम नहीं था नील माधव रूप में इस धरती पर भगवान किधर प्रकटित होके सेवा पूजा लेता है। तो फिर तो उनका कन्या का पति उनका बहुत स्नेह ममता था, इसलिए विश्वावसु ने राजी हो गए दिखाने के लिए। उन्होंने बताया, मैं विद्यापति को नील माधव दर्शन कराऊंगा, लेकिन उधर जाने के लिए रास्ता नहीं बताऊंगा। इसलिए उनको आँखों को बंद करके आँखों में पट्टी लगा के मैं ले जाऊंगा, उधर नील माधव को दर्शन करा के फिर वापस ले आऊंगा। तो ललिता विद्यापति को ऐसा बताए, तो विद्यापति ने तो सोचते थे तो उनको मार्ग देखना चाहिए, क्योंकि नील माधव को दर्शन करने के बाद इस संवाद को उनको राजा इंद्रद्युम्न को देना पड़ेगा,
क्योंकि राजा इंद्रद्युम्न की इच्छा है नीलमाधव दर्शन करने के लिए, तो अभी मैं नीलमाधव दर्शन करूँगा लेकिन रास्ता मेरे को मालूम नहीं होगा तो क्या फ़ायदा है। तो इसलिए ललिता जो बहुत बुद्धिमती थी, ललिता विश्वावेश का कन्या और विद्यापति का जो पत्नी थी, उन्होंने एक आइडिया दे उपाय दिए कैसा तुमको रास्ता मालूम पड़ेगा। तो ललिता विद्यापति के हाथ में एक थाली का अंदर में कुछ सरसों के बीज दिया, तो विद्यापति को बताया तुम जब जाएंगे तो रास्ता में इसको फेंकते हुए जाइए, तो जिधर जिधर सरसों के बीज गिरेंगे तो बारिश का दिन जब आएगा सरसों के तो पेड़ पौधा होगा तो उससे आपको मालूम पड़ेगा ये रास्ता कैसा जाता है। तो फिर विश्वावसु ने विद्यापति के आँखों को बंद करके उनके हाथ को पकड़ते हुए घन अरण्य का अंदर में तो पहाड़ के ऊपर ले गए। तो पहाड़ के ऊपर जब नीलाचल पर्वत होता है, नील और अचल, अचल का मतलब जो चल प्रचल होते नहीं, इसको पहाड़ को नीलाचल बोलते हैं, नील नील अचल नीलाचल। तो उधर ऊपर जाके तो सुंदर तालाब था, वो तालाब का नाम है रोहिणी कुंड, और रोहिणी कुंड का तट पर एक बट वृक्ष है उसका नाम है अक्षय बट। जब पृथ्वी प्रलय भी हो जाता है, पूरे पृथ्वी धाराधाम जब पानी में डूब जाता है, तब भी श्री जगन्नाथ पुरी धाम पानी में डूबते नहीं, ये अक्षय बट उधर रहते हैं। तो अक्षय बट का नीचे उधर एक नीलकंदर गुफा था, तो गुफा का अंदर में विश्वावसु ने ये विद्यापति को लेके ये जो विग्रह को दिखाया, नीलमणिमय विग्रह थे, नीलमाधव को दर्शन कराया। तो विश्वावसु ने बताया विद्यापति को तुम कुछ देर इधर बैठो, अपेक्षा करो, मैं जंगल में जाके कुछ फल मूल ले आता हूँ, मरा नीलमाधव को मैं भोग लगाऊंगा। तो जब विद्यापति वो रोहिणी कुंड का किनारे पर बैठे थे, विश्वावसु जंगल में चले गए उधर फल मूल ले आने के लिए, तो विद्यापति ने देखा एक पेड़ का ऊपर एक कौवा बैठा था। तो कौवा अकस्मात पानी में गिरा तो साथ साथ चतुर्भुज रूप को धारण करके वैकुंठ लोक पर चला गया, उनको मोक्ष मुक्ति प्राप्त हो गया। तो विद्यापति देख के वो भी उनका खूब इच्छा हुआ हो मैं भी इसमें छलांग लगाऊंगा, डुबकी लगा के चतुर्भुज रूप को प्राप्त करके मुक्ति हो जाएगा मेरा। तो जब प्रस्तुत होते थे जो डुबकी लगाने के लिए, तो विद्यापति ने एक शून्यवाणी सुनने पाए, विद्यापति तुम एक विशेष कर्तव्य लेकर इधर आए हुए, तुम्हारा कर्तव्य को पालन करना चाहिए, राजा इंद्रद्युम्न उधर उपवास में रहते हैं तो उनके इसलिए तुमको ये संवाद पहुंचाना चाहिए। तो विद्यापति वो छलांग नहीं लगाए। तो इसके बाद तो विश्वावसु सवरराज विश्वावसु आए, तो भगवान को भोग चढ़ाए, दिन अवसान होने वाले थे इसीलिए जल्दी जल्दी करके संध्या होने से पहले तो विद्यापति और विश्वावसु उधर से निकल पड़े और गांव पर आ गए। तभी विद्यापति का इच्छा है इस संवाद को लेकर राजा इंद्रद्युम्न के पास पहुंचाना, तो इसीलिए उधर से विदा लेके राजा इंद्रद्युम्न के पास आ गए। तो राजा इंद्रद्युम्न को जब इस संवाद मिला जब भगवान नीलमाधव रूप में दक्षिण सागर का तीर पर उधर नीलाचल पर्वत ऊपर नीलकंदर में अवस्थान करते हैं, तो उनका बहुत इच्छा हुआ भगवान का दर्शन करने के लिए। राजा इंद्रद्युम्न का मन में ऐसा विचार आया, इस धरती पर जो भगवान प्रकट हुए तो शास्त्र में उनका महिमा वर्णना इतना किया जाता है, जो भगवान मेरे सपने में आए थे वो भगवान को छोड़ के मैं इधर क्यों रहूँगा। तो इसीलिए राजा इंद्रद्युम्न ने राजा सेनापति सैन्य सामंत सम तो नागरिकों को लेके जगन्नाथपुरी आने के लिए प्रस्तुत हो गए। तो रात को प्रस्तुत होते थे, तो उसी रात को नारद मुनि आके उनके पास पहुँचे। तो राजा इंद्रद्युम्न ने नारद मुनि को बताया मैं काल सुबह पुरुषोत्तम क्षेत्र जा रहा हूँ, आप भी मेरा साथ चलिए। तो नारद मुनि तो राजी हो गए। तो नेक्स्ट डे सुबह
ब्राह्मण लोग वेद मंत्र पाठ करते हुए शुभ मुहूर्त देख के तो सब लोगों ने नीलाचल अभिमुख में चल पड़ी। तो एक रथ पर राजा इंद्रदम्न नारद मुनि सवार होके नीलाचल अभिमुख में यात्रा करते थे। तो दिन अवसन में हो जब हुआ सायंकाल में, तो सब लोग जाके एक नदी उड़ीसा में होता है, तो अभी जिसको उड़ीसा बोलते हैं और पूर्व जमाना में उसको उत्कल बोला जाता था। और ये राजा इंद्रदम्न जब आए तो उड़ीसा का नाम था उड्रदेश। तो उड्रदेश में महानदी करके नदी बहती थी, अभी भी वो नदी है महानदी। तो महानदी किनारे पर राजा इंद्रदम्न सैन्य सामंत सबको लेके उनको टेंट लगाए, तंबू लगाए, तो रात जापन करने के लिए नेक्स्ट डे सुबह नदी को पार करके फिर नीलाचल धाम पर जाएंगे। तो रात को जब रहते थे तब इंद्रदम्न राजा का सैन्य सामंत ने देख पाए उड़ीसा का राजा उड्रदेश का राजा भी आते हैं। तो ये लोगों ने सोचा उड्रदेश का राजा आता है इंद्रदम्न का आक्रमण करने के लिए, लेकिन इंद्रदम्न राजा ने बताया नहीं नहीं उनको आने दो। तो उड्रदेश का राजा जब इंद्रदम्न के पास आए तो इंद्रदम्न राजा ने पूछे तुम्हारा देश कैसा है, सब ठीक है कि नहीं, तुम्हारा राजनीति ठीक चलते कि नहीं, प्रजा लोग तुमको टैक्स देते कि नहीं, सब उनका मंगल के बारे में पूछे। तो उड्रदेश के राजा ने बताए जो भगवान नील माधव का कृपा से मेरा देश सब कुछ अच्छा चलता था, लेकिन अभी नील माधव अंतर्धान हो गए तो मेरा देश बहुत ही दुर्दशा भोग करता है। तो राजा इंद्रदम्न ने सुने वो नीलमाधव अंतर्धन हो गए, अरे मैं तो नीलमाधव दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ, तो बहुत दुखी हो गए अभी नीलमाधव नहीं उधर। तो नारद मुनि ने राजा इंद्रदम्न को समझाए तुम मत सोचो, चलो भगवान किसी ना किसी रूप में हम लोग दर्शन देंगे। तो फिर सुबह सुबह नारद मुनि इंद्रदम्न राजा सब नदी को पार करके भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर पर आए, तो लिंगराज महादेव को दर्शन किए। तो नारद मुनि राजा को बताए मैं अभी जा रहा हूँ, चार दिन के बाद मैं फिर आऊँगा, तुम तुम्हारा सैन्य सामंतों को लेके श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम पर जाइए, मैं चार दिन के बाद तुमकर तुम्हारा साथ मिलूँगा। फिर राजा इंद्रदम्न तो विद्यापति और सैन्य सामंतों को लेके श्री क्षेत्र पुरी धाम पर आए। इस श्री क्षेत्र पुरी धाम को शंख क्षेत्र भी बताते हैं पुराण में, ऐसा वर्णन आता है। तो हमारा हिंदुओं के लिए एक बहुत प्राचीन तीर्थ स्थान होता है और प्रसिद्ध तीर्थ स्थान होता है गया धाम होता है। तो एक गया करके एक असुर थे, तो गयासुर को वध करने के लिए भगवान विष्णु स्वयं इस धरती पर पधारे थे। तो गयासुर का शरीर का ऊपर उनका चरणों को स्थापन करके गयासुर को वध दमन किए थे, तो गया धाम होता है। तो गयासुर को दमन करने के बाद भगवान विष्णु उत्कल देश पर आए थे। उत्कल देश पर आके उनका चारों आयुध जो शंख चक्र गदा और पद्म होता है उत्कल भूमि में चार स्थान पर स्थापन किए थे। तो जिस स्थान पर शंख को स्थापन किए थे इसको शंख क्षेत्र बोलते हैं, एक पुरी का दूसरा नाम होता है शंख क्षेत्र। जिस स्थान पर चक्रों को स्थापन किए थे उसको चक्र क्षेत्र बोलते हैं, भुवनेश्वर चक्र क्षेत्र होता है और लिंगराज महादेव का स्थान होता है और पद्म क्षेत्र होता है कोणार्क, जो सूर्य भगवान का मंदिर होता है कोणार्क पद्म क्षेत्र होता है। जाजपुर बिरजा देवी का स्थान होता है वो होता है गदा क्षेत्र। ऐसा उत्कल भूमि में चार क्षेत्र होता है शंख चक्र गदा और पद्म, और पुरी को शंख क्षेत्र माना जाता है। और पुरी धाम का जो आकार होता है वो शंख का माफिक होता है, समान होता है। पुरी धाम का क्षेत्र का आयतन होता है 5 क्रोश होता है। तो शास्त्र में वर्णना किया गया 2 क्रोश समुद्र का अंदर होता है और 3 क्रोश जमीन पर होता है। तो राजा इंद्रदम्न ने पुरी जाके उधर एक स्थान पर उनका तंबू लगाए सब विश्राम करने के लिए, वो स्थान गुंडीचा मंदिर होता है, अभी जिधर गुंडीचा मंदिर है। तो जगन्नाथ राजा इंद्रदम्न जब गए तो जाके तो
तो नील माधव जब पहुंचे, नील माधव अंतर्धान हो गए थे, नील माधव को मिल नहीं पाए, तो राजा ने बहुत दुखी हो गए। लेकिन भगवान उनका सब शून्य वाणी ने बताए, तुम दुखी मत बनो, कल सुबह तुम समुन्द्र का किनारे पर जाओ, बांकी मुहान करके एक स्थान होता है, उधर तुम जाओगे तो देखेंगे तो दारू, दारू का मतलब लकड़ी, तो दारू ब्रह्म रूप में लकड़ी रूप में समुद्र में तैरते मैं आके पहुंचूंगा, तो उसी लकड़ी को लेके तुम मेरा मूर्ति बनाओ और वही मूर्ति को तुम पूजा करो, ये मेरा स्वयं मूर्ति होगा, इस मूर्ति को जो दर्शन करेंगे वो लोगों को जन्म मृत्यु जरावाधि संसार चक्र से छुटकारी प्राप्त होगा और मेरा धाम को भी प्राप्त होंगे। तो फिर नेक्स्ट डे सुबह जब राजा इंद्रदुम्न ने गए तो दारू को दो लकड़ी को देख पाए, तो लकड़ी को लेके वो विग्रह बनाएंगे, बहुत सारी विग्रह बनाने के लिए कारीगर लोग आए हुए, लेकिन कोई भी बना नहीं पाए। अंत में तो अनंत महाराणा करके एक बुढ़े आदमी आए, वो भगवान का एक स्वरूप होते थे, उन्होंने बताया तो मैं इस विग्रह को बनाऊंगा लेकिन एक शर्त पर बनाऊंगा। क्या शर्त है? ये लकड़ी को लेके मैं इस मंदिर का एक मकान का अंदर में जाऊंगा, तो मकान का दरवाज़ा 21 दिन के लिए बंद रहेगा, तो 21 दिन तक मैं अंदर में विग्रह को संपन्न करूंगा, तो 21 दिन पहले दरवाज़ा तुम खोल देंगे तो विग्रह असंपूर्ण रह जाएगा। तो ऐसा इस कंडीशन पर अनंत महाराणा उस मकान के अंदर में गए और लकड़ी को लेके विग्रह का काम शुरू कर दिए। जब विग्रह को बनाते थे तो उसका आवाज़ थोड़ा बाहर आता था, तो 15 दिन का बाद वो आवाज़ सुना नहीं पड़ी, तो लोगों ने व्यस्त हो गए, क्या हुआ? बूढ़ा ब्राह्मण, बूढ़ा जो कारीगर था वो अंदर मर गया ना, क्या हुआ, क्यों आवाज़ नहीं आता है? तो इंद्रदुम्न राजा का पत्नी थी गुंडीचा देवी, तो गुंडीचा देवी ने राजा को बताया कि तुम दरवाज़ा खोलो, हम लोग को देखना चाहिए, बूढ़े आदमी खाया नहीं पिया नहीं, मर गया ना, क्या हुआ? तो राजा इंद्रदुम्न ने बताया, नहीं नहीं हमारा कंडीशन है 21 दिन दरवाज़ा बंद रखना पड़ेगा। लेकिन राजा रानी गुंडीचा ने इंद्रदुम्न राजा को बाध्य करके तो दरवाज़ा खोल दिए। तब सब लोग देखे तो ये तीनों विग्रह थे, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन भी थे, लेकिन असंपूर्ण होते थे, हाँ संपूर्ण हुआ नहीं। तो राजा इंद्रदुम्न इसको देख के बहुत हताश हो गए, बहुत दुखी हो गए। तो फिर शून्यवाणी हुआ, राजा इंद्रदुम्न तुम दुखी मत बनो, जिस रूप में ये स्वरूप मेरा प्रकट हुआ, ये भी मेरा एक स्वरूप है, इस स्वरूप में तुम मेरा पूजा करो। तो ब्रह्मा को जाके बुलाओ, ब्रह्मा जी आके इस विग्रह को प्रतिष्ठा करेंगे और इस विग्रह को तुम मंदिर निर्माण करो और सेवा पूजा करो। तो ऐसा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा विग्रह, दारू विग्रह, दारू का मतलब लकड़ी, ये इसको दारू ब्रह्म बोलते हैं, चतुर्धा मूर्ति दारू ब्रह्म बोलते हैं। तो स्कंद पुराण में ये जगन्नाथ भगवान का प्रकट का ऐसा लीला बताते हैं। तो मैं बताया जगन्नाथ भगवान सारा जगत का नाथ होते हैं, सारा जगत का उपास्य भगवान होते हैं, इसीलिए जगन्नाथ का महिमा आज जर्मन, जापान, चाइना, रूस, हमारा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का जो प्रतिष्ठाता आचार्य श्री एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जिन्होंने इस संस्था को प्रतिष्ठा किए, तो उनका प्रतिष्ठा से आज सारा दुनिया में हर बड़ा बड़ा शहर में ये जगन्नाथ का रथ यात्रा हो रहा है और हजार हजार लोगों ने, लाखों लाखों लोगों ने जगन्नाथ को सेवा पूजा करते हैं। तब मैं अभी बताऊंगा जगन्नाथ का, जगन्नाथ कौन है? तो जगन्नाथ का पास बलराम है और सुभद्रा है। तो जब पास में बलराम, भाई बलराम है, बहनी सुभद्रा है, तो जगन्नाथ तो कृष्ण ही होंगे, जन काली, दुर्गा, शिव, गणेश, कार्तिक नहीं हो सकते हैं, वो कृष्ण ही होंगे। लेकिन कृष्ण तो देखने के लिए ऐसे नहीं, कृष्ण तो द्विभुज मुरलीधारी त्रिभंगी भंगिमा में खड़ा होता है, कितना सुंदर बांसुरी बजाता है। तो जगन्नाथ को देखने के लिए तो ऐसा नहीं, बड़ा बड़ा आँखों है, हाथ नहीं, पाँव नहीं। तो कब भगवान कृष्ण का ऐसा रूप हुआ था? कृष्ण भगवान की कभी इसी रूप में प्रकट हुए थे? जो रूप को आज कलयुग में
हम लोग जगन्नाथ करके सेवा पूजा करते हैं, तो इसी के बारे में शास्त्र में ये वर्णन आता है। तो कृष्ण भगवान जिनका जन्म गोकुल में हुआ, तो कृष्ण भगवान ने तो वृंदावन में बड़े हुए थे, 11 साल 6 महीने तक वृंदावन में थे। तो 11 साल 6 महीना जब उम्र हुआ तो वृंदावन से कृष्ण भगवान मथुरा गए। मथुरा में 13 साल 6 महीना उधर अवस्थान करते थे। तो 25 साल जब उम्र हो गया तो मथुरा छोड़ के भगवान उनका पिता माता देवकी वसुदेव सबको लेके द्वारका चला गए, भगवान का निर्देशिका पर। तो जो हमारा विश्वकर्मा होता है, स्वर्गीय आर्किटेक्चर विश्वकर्मा ने समुन्द्र का अंदर में एक द्वारका नगरी बनाए थे, तो उधर जाके भगवान श्री कृष्ण 100 साल लीला विलास किए। ऐसा भगवान कृष्ण का प्रकट लीला इस धरती पर 125 साल तक लीला विलास हुआ था। तो भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका में थे तो उन्होंने 16108 राजकन्या को शादी किए थे, उनका महिषी रानी थे 16108। सब महिषियों के लिए भगवान श्री कृष्ण उनका ऐश्वर्य का प्रभाव से एक एक प्रसाद भी बनाए थे। तो सब महिषियों ने रानियों ने श्री कृष्ण का सेवा बहुत मन प्राण देके प्यार से करते थे, लेकिन श्री कृष्ण भगवान का मन द्वारका में नहीं था। द्वारका का ऐश्वर्य उनको मन को प्रबोधन या आनंद नहीं दे सकता था, रानियों का इतना सेवा जतन उनका मन में आनंद नहीं दे सकता था। कृष्ण भगवान हर समय ब्रजवासियों के बारे में सोचते थे, ब्रज के बारे में सोचते थे, ब्रज का गोप गोपियों के बारे में सोचते थे। तो रानियों ने देखते थे कभी कभी भगवान श्री कृष्ण सोते थे, सोने का टाइम हठात जागते थे और गोपी गोपी करके चिल्लाते थे, गोपियों को स्मरण करते थे, गोप राधारानियों को स्मरण करते थे। तो रानियों का मन में ये चिंता आया, हम लोग इतना मन प्राण देके प्रभु को सेवा करते हैं, इतना ऐश्वर्य देके प्रभु को सेवा करते हैं, लेकिन प्रभु ने क्यों हर समय ब्रज के बारे में सोचते हैं, ब्रज का ग्वालियों ने प्रभु का क्या सेवा करते थे, तो प्रभु इसको भूल नहीं सकते हैं। तो उन लोग का इच्छा हुआ भगवान श्री कृष्ण का बाल्य लीला या ब्रज लीला श्रवण करने के लिए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का बाल्य लीला ब्रज लीला कौन बताएंगे, देवकी वसुदेव उग्रसेन कोई तो देखे नहीं। तो द्वारका में एक आदमी थे, वो रोहिणी बलराम का माता रोहिणी, वो भगवान का सब बाल्य लीला दर्शन की थी। तो 16000 रानियों ने मिलके जाके माता रोहिणी को बताए, माँ आप हम लोगों को प्रभु का बाल्य लीला ब्रज लीला सुनाइए। तो माता रोहिणी ने बताए, मैं बताऊंगी लेकिन कृष्ण बलराम को ये लीला सुनना नहीं, कृष्ण बलराम जब बाहर जाएंगे ये लीला में बताऊंगे। तो एक बार कृष्ण बलराम द्वारका छोड़ के सुधर्मा सभा पर गए थे, तो उस अवसर पर माता रोहिणी सब रानियों को 16000 रानियों को इकट्ठा करके तो भगवान का बाल्य लीला परिवेशन करेंगे। तो बाल्य लीला बोलने से पहले माता रोहिणी ने सुभद्रा जी को बताए कि तुम इस दरवाजे पर खड़ी रहो, कृष्ण बलराम अकस्मात आ जाएंगे तो मेरे को इशारा करके बोल देना, मैं कथा बंद कर दूंगी क्योंकि कृष्ण बलराम को ये लीला श्रवण करना उचित नहीं होगा। तो माता सुभद्रा दरवाजे पर खड़ी रही थी, तो अंदर में माता रोहिणी 16000 रानियों को लेके श्री कृष्ण भगवान का बाल्य लीला बताते थे। देखिए आजकल कृष्ण का लीला हम लोग श्रवण करते हैं तो कृष्ण का लीला में इतना चमत्कार होता है, इतना आकर्षणीय होता है, लोग खूब भाव से श्रवण करते हैं, आपको भूल जाते हैं, एकदम लीन हो जाता है कृष्ण लीला में। और उस समय देखिए श्रवणकारी होते हैं भगवान श्री कृष्ण का पत्नी लोग होते हैं और कथा का वर्णन करने वाली होते हैं रोहिणी माता, जो कृष्ण का लीला को स्वयं चक्षु आँखों में देखी थी। तो लीला इतना चमत्कार था, वो वर्णना इतना चमत्कार था, तो सब रानियों ने श्रवण करके आत्मविस्मृत हो गए और खूब मन प्राण के एकदम लीन हो गए। तो दरवाज पर सुभद्रा तो खड़ी थी, वो भी सुनती थी, तो वो भी आत्मविस्मृत होके उधर खड़ी होके सुनती थी। तो जब
रोहिणी माता भगवान का बाल्य लीला परिवेशन करते थे, तो अंतर्जामी भगवान श्री कृष्ण बलराम को ये मालूम हो गया कि माता रोहिणी हमारा बाल्य लीला परिवेशन करते हैं ब्रज लीला। तो भगवान का लीला इतना चमत्कार होता है तो भगवान को भी आकर्षण करता है, तो इसीलिए भगवान कृष्ण बलराम वो सुधर्म सभा को त्याग करके छूटते हैं छूटते हैं द्वारका पर आ गए, जिधर माता रोहिणी हम भगवान का ब्रजलीला परिवेशन करते थे। तो कृष्ण बलराम ने देखे दरवाजा पर सुभद्रा देवी खड़ी थी, तो अंदर जा नहीं पाए तो सुभद्रा देवी को बीच में रख के एक तरफ कृष्ण और एक तरफ बलराम खड़े हुए। तो खड़े रहे दरवाजा पर, वो तीनों भाई दो भाई बहनी सुनते थे। तो सुभद्रा को बोला गया था, तो उनका ड्यूटी था जब कृष्ण बलराम आएंगे तो इशारा देके बोल देना माता रोहिणी को, कथा बंद कर देंगे। लेकिन सुभद्रा देवी कथा सुनते हुए इतना आत्मविस्मृत हो गए थे, लीन हो गए थे, उनको भी मालूम नहीं पड़ा कृष्ण बलराम आ गए, तो बोल नहीं पाए। तो माता रोहिणी कथा करती थी और कृष्ण बलराम सुभद्रा दरवाज पर खड़ी होकर वो लोग श्रवण करते थे। तो कृष्ण का नाम होता है कृष्ण, क्यों कृष्ण, ना आकर्षयती इति कृष्ण, जो सबको आकर्षण कर पाता है उनको कृष्ण बोलते हैं। तो कृष्ण का अंदर में इतना आकर्षण है, वो सबको आकर्षण करते हैं, ऐसा नहीं ये आत्म पर्यंत सर्वचित्त हर होते हैं, तो सबको तो आकर्षण करते हैं, सबको हृदय को तो आकर्षण करते हैं। कृष्ण का अंदर में इतना सुंदर माधुरिमा है, उनका रूप का माधुरिमा, उनका बांसुरी का माधुरिमा, उनका लीला का माधुरिमा, वो माधुर्य इतना आकर्षणीय होता है, कृष्ण भगवान स्वयं भी आकृष्ट हो जाता है उनका रूप को देख के, उनको लीला को श्रवण करके स्वयं भी आकृष्ट हो जाता है। शास्त्र में ऐसा वर्णन आता है कि द्वारका में नव वृंदावन करके एक स्थान बनाया गया था। तो एक बार एक दिन कृष्ण भगवान नव वृंदावन में जाते थे, तो उधर का जो दीवार था, खंबा था, स्फटिक पत्थर में बनाया था। तो कृष्ण भगवान आपका प्रतिबिंब तो द्वार पर देखे, देखते कृष्ण भगवान ने एक उनका प्रतिबिंब उनको इतना सुंदर लगा, उन्होंने बोले वो कस चमत्कारकारी पुरुष, इतना सुंदर लड़का कौन है, बोल के वो आपका प्रतिबिंब का आप आलिंगन करके करने के लिए जाते थे, ये कृष्ण का आकर्षणीय शक्ति होता था। तो कृष्ण बलराम जब उनका बाल्य लीला या ब्रजलीला माता रोहिणी जो बताते थे तो श्रवण किए, तो श्रवण करके स्वयं कृष्ण बलराम भी चकित हो गए, आश्चर्य हो गए, ओ इतना सुंदर प्रेममय लीला हम लोग किए हुए, ब्रजवासियों ने हम लोग को इतना प्यार करते थे, ब्रजवासियों को प्रेम के बारे में श्रवण करते हुए आपका स्वयं का लीला श्रवण करते हुए, ये सब चकित आश्चर्य के उनका आंखों बड़ा बड़ा हो गया, क्योंकि महाभाव प्रकट हुआ, महाभाव प्रकाश के कारण हाथ अंदर घुस गया, पाँव अंदर घुस गया। तो भाई बहनी वो तीनों दरवाजे पर इस रूप को प्रकाश करके उधर उपस्थित थे और ब्रजलीला श्रवण करते थे। इस समय दैव्य के कारण नारद मुनि आके उधर पहुंच गए, तो नारद मुनि ने बिना बजाते हुए नारायण नारायण नाम को उच्चारण करते हुए जब उधर आके पहुंच गए, तो नारद मुनि को देख के उनको बिना और नारायण का नाम को श्रवण करते हुए, तो कृष्ण बलराम और सुभद्रा का जो ध्यान में थे, कथा श्रवण का ध्यान में थे, लीन हो गए थे, तो भंग टूट गया, भंग हो गया, तो उनका बाह्य ज्ञान आ गया। तो बाह्य ज्ञान जब आ गया तो वो रूप छुप गया, कृष्ण बलराम सुभद्रा का जो स्वाभाविक रूप प्रकट हो गया। लेकिन नारद मुनि ने कृष्ण भगवान को पूछे, प्रभु आप उस रूप को छुपाते हैं लेकिन मैं तो देख लिया उसी रूप को, तो मैं तो हर वैकुंठ में जाता हूँ, तो उसी रूप में तो आपको कभी भी नहीं देखा, जो रूप मैं अभी देखा उसी रूप में आप किधर रहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने बताए ये मेरा एक विशेष स्वरूप होता है, भगवान का तो अनंत रूप होता है, अनादि अनंत रूपम, अनादिकाल से अनंत रूप में भगवान आत्मप्रकाश किए, राम आदि मूर्ति सुकला नियमेन तिष्ठान नाना अवतार अकरोत भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवेत परम पुमान जो गोविंदं आदि पुरुषं
तमहं भजामि। राम बामन नरसिंह मधुसूदन त्रिविक्रम करके भगवान का अनंत स्वरूप होता है। कृष्ण भगवान अनादि राधि गोविंद होते हैं। एतचांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान का जितना रूप होता है ये भगवान श्री कृष्ण का अंश और कला होता है। तो नारद मुनि ने पूछा, मैं तो आपका सब स्वरूप को देखा, इसी स्वरूप में तो देखा नहीं, आप किधर रहते इसी स्वरूप में? तो कृष्ण भगवान ने बताए, ये जो मेरा एक विशेष स्वरूप होता है, मेरा भक्त का विरह में, भक्त का प्रेम, मेरा मेरा लीला को श्रवण करके, भक्त का प्रेम के बारे में श्रवण करके मैं जो स्वयं चमत्कृत हो जाता हूँ, ये मेरा विशेष स्वरूप है। इस स्वरूप में मैं पुरुषोत्तम क्षेत्र दक्षिण सागर के तीर पर, पुरुषोत्तम क्षेत्र में जो नील पर्वत होता है, वो नील पर्वत के ऊपर मैं रहता हूँ। तो ये मेरा विशेष स्वरूप होता है। ये देव अगोचर, देवताओं को भी इस स्वरूप के बारे में मालूम नहीं है। ये वेद गोप्य होता है, वेदों का भी पूर्ण तरीके का सामर्थ्य नहीं, शक्ति नहीं मेरा महिमा को, इस स्वरूप का महिमा को वर्णन करने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण जब जगन्नाथ पुरी धाम पुरुषोत्तम क्षेत्र में उनका इस स्वरूप का महिमा के बारे में बताए, तब नारद मुनि ने भगवान श्री कृष्ण को बोले, प्रभु मैं आपका दास या भक्त हूँ, आप मेरे को दास भक्त करके मानते हो तो मेरा एक अनुरोध आपके पास है। जिस रूप में आपका देखा अभी, बड़ा बड़ा आँखों है, हाथ अंदर घुस गया, पाँव अंदर घुस गया, जो महाप्रकाश भाव है, इसको राधा विरह विधुरा स्वरूप बोलते हैं। राधा रानी ब्रजवासियों को विरह में भगवान का ये जो रूप प्रकट हुआ, तो इसी रूप में आप दर्शन दीजिए इस कलिजुग लोगों को, कि द्वापर का अंत में ही हुआ तो इसके बाद कलिजुग आ जाएगा, तो कलिजुग लोगों को उद्धार करने के लिए इस विशेष रूप में आप दर्शन दीजिए। तो कृष्ण भगवान तब नारद मुनि को बताए थे, तथास्तु, तुम्हारा वासना इच्छा पूर्ण होगा होगी होगा तो मैं इसी रूप में लोगों को दर्शन दूंगा। तो इसी कारण के लिए तो ये पूर्ण ये जो विग्रह जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा 21 दिन में संपूर्ण होना था, लेकिन 15 दिन में दरवाजा खोल दी, इसीलिए संपूर्ण नहीं हुआ, ऐसा नहीं। ये असंपूर्ण विग्रह नहीं है, ये स्वयं संपूर्ण पूर्ण संपूर्ण होता है। भगवान श्री कृष्ण का ये विशेष रूप होता है। तो ये भगवान का इसी रूप का प्रकट का ये कारण होता है। तो इसीलिए ये जगन्नाथ भगवान हमारा कलिजुग लोगों के लिए आराध्य भगवान होते हैं। भगवान इस कलिजुग में दारु ब्रह्म या लकड़ी अर्च विग्रह के रूप में प्रकट होने से भी भगवान जगन्नाथ बहुत सारे लीला विलास करते हैं। तो जगन्नाथ मंदिर में पूरी में जो कुछ भगवान का सेवा होता है, ये सेवा के बारे में स्वयं जगन्नाथ बताए थे कि मेरा सेवा कैसा होगी। और बड़ा बड़ा आचार्य शंकराचार्य और रामानुजाचार्य जो नाके इस सेवा का विधान वो लोग करते हैं, तब जगन्नाथ ने बताए थे, तो साल में एक बार मेरा रथ यात्रा होगी। जगन्नाथ विग्रह बनाया गया गुंडीचा मंदिर पर, गुंडीचा मंदिर को सुंदराचल बोलते हैं, उधर महावेदि होता है, तो अभिन्न वृंदावन होता है। तो अभी जिधर जगन्नाथ का मंदिर है उसको नीलाचल बोलते हैं, वो रत्न सिंहासन पर जगन्नाथ अवस्थान करते हैं। ये नीलाचल होता है अभिन्न द्वारका धाम, तो द्वारका ऐश्वर्य का धाम होता है और वृंदावन माधुर्य का धाम होता है। साल में एक बार भगवान जगन्नाथ भाई बलदेव और बहनी सुभद्रा को लेके रथ का ऊपर आरोहण करके तो नीलाचल से सुंदराचल आते हैं या द्वारका से वृंदावन आते हैं। तो इनको ये रथ यात्रा को 90 दिन यात्रा बोलते हैं। 9 दिन के लिए यात्रा करने के लिए श्री मंदिर को छोड़ के बाहर आते हैं। ये रथ यात्रा को घोष यात्रा बोलते हैं, इस रथ यात्रा को गुंडीचा यात्रा बोलते हैं। इसका कई तरह का नाम होता है, ये रथ यात्रा का नाम होता है। शास्त्र में इसे बताया गया, भगवान का जो अनंत स्वरूप होता है उसमें जगन्नाथ स्वरूप सबसे श्रेष्ठ होते हैं, इसीलिए ये जगन्नाथ स्वरूप में भगवान का करुणा का प्रकाश सबसे ज्यादा होता है। कलिजुग लोगों को उद्धार करने के लिए भगवान इस रूप में आत्मप्रकाश किए। कलिजुग का लोग बहुत पतित होता है, बहुत पापी होते हैं, इसलिए वो लोगों को करुणा करने के लिए, कृपा करने के लिए भगवान का ये विशेष स्वरूप
पूर्ण कृपा देने के लिए भगवान आए हुए। तो शास्त्र में ये भी बताते हैं जब भगवान रत्न सिंहासन को छोड़ के बाहर आते हैं और रथ के ऊपर सवार होते हैं, रथ के ऊपर जो भगवान को दर्शन करते हैं तो भगवान का करुणा का प्रभाव तब और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए शास्त्र में बताते हैं रथे वामनम दुष्ट पुनर्जन्म न विद्यते। रथ का ऊपर जब भगवान जगन्नाथ को दर्शन करते हैं, जिस जो जो दर्शन करते हैं उनका और पुनर्जन्म नहीं होता है, पुनर्जन्म नहीं होता है। इसीलिए ये जगन्नाथ रथ यात्रा पालन किया जाता है। आज सारा पृथ्वी पर हर बड़ा बड़ा शहर में ये रथ यात्रा होता है। तो हमारा इस धरन शहर में भी 18 तारीख को रथ यात्रा होगी। तो आप लोग सब आएंगे, रथ का ऊपर जगन्नाथ को दर्शन करके आपका इस मनुष्य जन्म को सफल करेंगे। हरे कृष्ण, धन्यवाद। जय श्री प्रभुपाद की जय। राम राम हरे हरे। दर्शक वृंद, जगन्नाथ को विषय में यस्तो कथा सुन्दा त हामीहरु सबैले अवश्य नै जगन्नाथ को दर्शन गर्न आफ्नो घरबाट अलिक बाहिर निस्केर रथ को डोरी पक्रेर तान्न अवश्य सबैलाई इच्छा लाग्यो नै होला। हजुरहरुको जानकारी को लागि हामी धरान का भक्तहरु भगवान जगन्नाथलाई लिएर धरान को बाटो बाटोमा आउँदै छौं। कृपया हजुरहरु पनि आफ्नो घरबाट बाहिर निस्केर हामीहरुको साथ दिनु होला। इस्कन मन्दिरबाट सामी चौक हुँदै सुम्निमा चौक, त्यसपछि जानकी चौक हुँदै जिरो पोइन्ट नयाँ बजार हुँदै भानु चौकबाट रमाइलो चौकमा पुगेर अन्तिम समापन फेरि इस्कन मन्दिरमै गर्दैछौँ। श्रावण 9 गते शनिबार हुन गइरहेको रथयात्रामा सम्पूर्ण धर्मप्रेमी महानुभावहरूलाई इस्कन राधाकृष्ण मन्दिर धरानमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछौँ। हरे कृष्ण राम राम।